हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल विद रितिका। और आज हम ये रेड साड़ी ड्रेप करने वाले हैं तीन स्टाइल में। बहुत ही अच्छी ड्रेपिंग है, तो लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहें और कमेंट कर जरूर बताएं कौन सी ड्रेपिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगी है। ये इसका पल्लू है। चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रेपिंग। तो आपको राइट साइड से ड्रेपिंग स्टार्ट करनी है और फैब्रिक के जैसे मैंने दो फोल्ड किए हैं उस तरह से आप फोल्ड करें, क्योंकि इस साड़ी की विड्थ बहुत अच्छी है, ज़्यादा है विड्थ, इस वजह से मैंने इसको दो फोल्ड किया है। इस तरह से फोल्ड करने में क्या होगा कि जब आप ड्रेप टक करेंगे तो उसमें ना अप डाउन ऐसा नहीं लगेगा फैब्रिक देखने में कि ऊंचा नीचा ड्रेप हो रहा है, बहुत अच्छे से ड्रेपिंग लगेगी। अभी हमने पीछे से फैब्रिक घुमाकर ये पल्लू का फैब्रिक लिया है। इसकी हम सबसे पहले प्लीट्स बनाएंगे, स्टार्टिंग करेंगे इसकी इस तरह से जिगजैग वे में, जैसे आप देख रहे हैं छोटी छोटी प्लीट्स मैंने इसकी बनाई हैं। एक जगह गैदर कर लिया है सारा फैब्रिक। उसके बाद हम इसे ऊपर पकड़ेंगे सारे फैब्रिक को ऐसे एक साथ, और उसी तरह से हम प्लीट्स को नीचे फॉलो करेंगे। मैंने ये शोल्डर पर रखा है और शोल्डर पर रखने के बाद इक्वली इसको मैं छोटी छोटी प्लीट्स हैंड से सेट करूँगी आगे। तो इसका बॉर्डर है जैसे थोड़ा ब्रॉड है, मुझे इतना ही बड़ा पल्लू चाहिए, इससे ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उसके नीचे ही सारी प्लीट्स को रखा है, छोटा छोटा करा है। अगर आपको थोड़ा ब्रॉड चाहिए तो आप थोड़ी बड़ी प्लीट्स बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया है वो आप देखेंगे तो ये लास्ट वाला जो प्लीट वाला फैब्रिक है उसको एक साथ रखेंगे, दोनों लेस को। नीचे सारी प्लीट्स बना ली हैं, उसके बाद इसको ऊपर करेंगे और अंदर की साइड से इसमें एक पिन टक कर देंगे। एक जगह पिन टक करने के बाद अभी हमें क्या करना है, उसी डिज़ाइन को थोड़ा आगे फॉलो करना है। तो सेम मैंने वही किया है कि जैसे पहले किया था, सारी प्लीट्स एक जगह इकट्ठी की हैं और लेस के अंदर ही रखी हैं, उसके बाहर नहीं आना चाहिए फैब्रिक। और जो लास्ट वाला लेस वाला फैब्रिक है हम उसे रखेंगे और उसको थोड़ा ऊपर उठाकर उसके अंदर एक पिन टक कर देंगे। उसके बाद लेस आप डाउन कर लेंगे दोनों साइड की, तो ये बहुत अच्छा स्टाइल बनेगा आपका। और इसके बाद आप इसे पल्लू पर बहुत ही आराम से रख कर पिनअप कर सकते हैं। अगर आप एक साथ करना चाहेंगे प्लीट्स बनाकर शोल्डर पर तो वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, वो सारा इधर उधर हो जाएंगी प्लीट्स, इसलिए मैंने पहले एडजस्ट किया है। उसके बाद साइड फैब्रिक को लेंगे आप और इतना फैब्रिक आप छोड़ देंगे इसको टक करने के बाद। जितना भी फैब्रिक बचा है उसकी सबकी हम बनाएंगे इस टाइप से प्लीट, दोनों फिंगर्स की इस तरह से हेल्प लेंगे हम और यहाँ थंब के अंदर इसको पकड़ेंगे इस तरीके से। अभी आपको क्या करना है, जो आपने सबसे पहला प्लीट बनाया है उसको सबसे बड़ा रखना है, और उसके बाद जितनी आप प्लीट्स बनाते जा रहे हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा गैप पर छोटा करते जाएंगे धीरे धीरे, उससे बहुत अच्छा लुक आएगा आपकी प्लीट्स का। बाद में देखिएगा सारी प्लीट्स को हम एक जगह अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद ये सबसे छोटी प्लीट है जो सबसे लास्ट है, उसके बाद आप इसे इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें एक पिन टक करेंगे। उससे क्या होगा, पिन से सिक्योर करेंगे तो आपकी प्लीट्स बिल्कुल अच्छे से रहेंगी एक ही जगह, बिल्कुल इधर उधर आपकी प्लीट्स नहीं भागेंगी। अभी हम इसे थोड़ा सा हाथ से सेट करेंगे जिस सीक्वेंस में हमने लिया था, सबसे छोटा उसके बाद थोड़ा बड़ा इस टाइप से, और इसे हम कर लेंगे पेटीकोट में टक, मिड से टक करना है आपको ये। अभी जितना फैब्रिक ये लास्ट में आपका है उसको थोड़ा सा हटाएंगे आप, और इधर से ये फैब्रिक जो हमने छोड़ा था उसको प्लीट्स के नीचे से एक हैंड की हेल्प से निकालेंगे, दूसरे हैंड से इसको ऊपर की साइड खींच लेंगे। अभी ऊपर की साइड खींचने के बाद आपको क्या करना है, इसको तो धीरे धीरे फैब्रिक को खींचते जाना है, इससे आपकी ये हिप प्लीट्स बन जाएंगी, बहुत अच्छी प्लीट्स आएंगी। ट्विस्ट करने के बाद हम इसको टक कर देंगे और जो फैब्रिक हटाया था उसको ठीक से एडजस्ट कर देंगे दोबारा से। अभी ये हो गया है ठीक, उसके बाद आप पल्लू देखेंगे। ये हमारा सेकेंड ड्रेपिंग है। इसमें क्या किया है, जो आपने पल्लू की पिन लगाई थी उसको आप वैसे ही रहने देंगे, बस उसको क्या करना है आपको लेफ्ट शोल्डर पर पीछे से घुमाकर ऊपर रखना है, और ये जो फैब्रिक है उसको पीछे की साइड से घुमाएंगे और यहाँ जो लेस वाला फैब्रिक है इसको हम टक कर देंगे। अभी हम थर्ड ड्रेपिंग करेंगे। इसमें मैंने क्या किया है, इसके कंट्रास्ट में एक दुपट्टा लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। वैसे रेड के साथ येलो बहुत अच्छा मैचिंग था इसलिए मैंने येलो कलर लिया है। इसमें थोड़ा सा बॉर्डर भी दिया हुआ है, इसको बस यहाँ टक किया है और उसके बाद पल्लू की तरह ही ले लिया है। फिर जो हमारा फैब्रिक पल्लू का बचा हुआ था उसकी पिन मैंने नहीं हटाई है, वो वैसे ही है जैसे पहले लगाई थी, और उसको मैंने राइट शोल्डर पर रखा है
उसके बाद आप इसका लुक देखेंगे। ये जो आगे का फैब्रिक बचा हुआ है इसको हम थोड़ा सा उसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे जैसे मैंने शोल्डर पर पिन लगाई थी। सारे प्लीट्स को एक जगह इकट्ठा कर और लेस टू लेस मिला लेंगे इसको एक जगह, और यहाँ अंदर से पिन लगाएंगे, और उसके बाद ये बिल्कुल वैसा ही लगेगा। और बॉर्डर से बॉर्डर मिलने के बाद इसका लुक तो बहुत ही अच्छा आ जाता है। आप इसको पार्टी में या कहीं भी पहन कर जाएंगे तो ये बहुत यूनिक सा लुक देगा आपको।